कृष्णा, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती है और भगवान से लंबी उम्र की कामना बहन करती है। यह रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दूसरा वर्ष है जिसमें रक्षाबंधन के समय भद्रा का साया रहेगा। ये भद्रा क्या है? भद्रा शनिदेव की बहन, सूर्य नारायण भगवान छाया माता की पुत्री है। भद्रा का जन्म देवताओं के विनाश के लिए हुआ था, तो भद्रा भी शनिदेव की तरह क्रोधी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो 11 करण हैं, 11 करण में से 7वें करण विष्टि करण में भद्रा को स्थान दिया था। तो मान्यता ऐसी है, शूर्पनखा ने अपने भाई रावण को अशुभ भद्रा में धागा बांधा था, इसलिए उसके जीवन में ऐसी अशुभ घटनाएं घटी। बहन शुभ समय में, शुभ घड़ी में, शुभ योग में भाई की कलाई पर धागा बांधे, जिससे भाई के जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं, सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो इस समय जो पूर्णिमा तिथि है वो 30 अगस्त के सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर के 31 अगस्त सुबह 7:30 बजे तक रहेगी। इसी समय भद्रा भी रहेगी। भद्रा 30 अगस्त के रात्रि 8:50 तक रहेगी, इसलिए इस समय हम लोग रक्षाबंधन पर्व नहीं मनावें। 8:50 के बाद या 9 बजे से शुभ घड़ी अमृत चौघड़िया में रक्षाबंधन का पर्व हम लोग बड़े प्रेम से मनावें। इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को संशय नहीं पालना चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो हम लोग बड़े प्रेम से सब संशय को छोड़ करके 30 अगस्त के रात्रि 8:50 के बाद में अमृत चौघड़िया में 10:30 बजे तक, या जिनके यहाँ रात्रि में राखी नहीं बांधी जाती वो 31 अगस्त के सुबह 7:30 बजे के पहले भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। रक्षाबंधन में बहन जब भी राखी खरीदने के लिए बाजार जाए तो उसमें कुछ सावधानियां रखें। वह धागा, वह राखी काला धागा नहीं होना चाहिए। उसमें जब बहन भाई को राखी बांधे तो भाई का मुख पूर्व की तरफ हो, अशुभ चिन्ह उस राखी पर ना हो, भगवान की मूर्ति चिन्ह, भगवान की तस्वीर उस राखी पर ना हो, जिससे हम लोग जो दिनचर्या के काम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का भगवान का अपमान नहीं हो सके। ऐसे शुभ समय पे हम लोग रक्षाबंधन मनावें। हमारी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जी सबके जीवन पर दया करें।